आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकार्सरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। आज जो बेल मिली है